और ये तसव्वुर छोड़ दीजिए, आईसो भाव की जिम्मेदारी है मेरे अम्मी अब्बा की खिदमत करने की, तुम्हारा दीनी शऊर सही नहीं है, फिर कोई खूनी रिश्ता नहीं है ये बहू का सास और ससुर से खिदमत करने, ये तो इंसानी तकादा है जो उन्हें कर ले रही अजर सवाब के लिए। लेकिन याद रखो, कोई अगर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लाइसो बहू पे थोप रहा, ये इस्लामी नजरिया सही नहीं होता। तेरी जिम्मेदारी है तेरी माँ की खिदमत तू कर, तेरी जिम्मेदारी है तेरे वालिद की खिदमत तू कर, दूसरे की बेटी को लाके नौकर समझ के तुमने बिठा सकते, वो अखलाकी फरीजा है जो घर की बहू अदा कर दे रही। वरना हमारा सिस्टम हैदराबादी क्या है, आंख दिखा रही बहू नहीं बोल रही, बहू माँ मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी रोटी नहीं डालती, मेरी चाय नहीं लाती, ये बातों के झगड़े तू काम वाली रख, तू घर में रुक के खिदमत कर। अगर औरत नहीं करना चाह रही तो कोई जुल्म नहीं कर सकता। एक जुमला फिर रहा था थोड़े दिन पहले, वो बहुएं जो ये कहती हैं कि हम सास और ससुर की खिदमत नहीं करेंगे, वो किसी यतीम खाने में चले जाएं या वो जो सो हमारे घरों में निकाह हो करना है, दीन वाले ऐसी बेवकूफ बात करेंगे? कौन सा सिस्टम है ये आपका सिस्टम है? आपके नजरिए से दीन चलेगा या दीन के नजरिए से आप चलेंगे? हाथ पैर जोड़ के आजीजी करके आप बीवी को रिक्वेस्ट करना, मेरे माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, मेरे कन ताकत ने काम वाली रखने, शुक्रगुजारी करो आप उसकी। अगर उन्हें आपके माँ बाप की खिदमत कर ले रही, उनका जो सो हमाम बेकना आपको पेशाब धुला दे रही, उनका पैंपर बदल दे रही, डायपर बदल दे रही, खाना खिला दे रही, चाय दिला दे रही, शुक्रगुजारी के मुस्तहक आप उसके। दादागिरी नहीं चला सकते औरतों पे, ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो है वो तुम्हारे कल्चर से नहीं तोला जाएगा, तुम्हारे कल्चर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से तोला जाएगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग के बीवी के ऊपर डाल के जिम्मेदारी समझ रहा, मैं खदा कर दिया। माँ बाप का नाफरमान मौत से पहले जल सजा दे दी जाती है। होश में आइए। और फिर यही औरत जब अपने माँ बाप की खिदमत को जाने के वजह से इजाजत पूछती, आपको बड़ी बेचैनी होती, फिर रोटियां कौन डालेंगे? ये तो खूनी रिश्ता है, तुम रोक नहीं सकते इसको। अगर इन्हें माँ बाप की खिदमत के लिए जाना जारी, ये हक है उसका। और औरतें निकाह के बाद भी माँ बाप का हक तुम पर ऐसे ही रहता जैसे शादी से पहले तुम्हारा रखता, यह खत्म नहीं होता। ये खूनी रिश्ता है, ये बाप का रिश्ता है, ये माँ का रिश्ता है, हर एक के लिए कायम रहेगा। कयामत के दिन तू शौहर के नाम से नहीं अपने बाप के नाम से उठाई जाएगी।